मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़े फैसले का ऐलान किया है, जिसमें अब मुख्यमंत्री और मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। बता दें कि राज्य में अब तक सरकार मंत्रियों और मुख्यमंत्री का इनकम टैक्स भरती थी, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। बता दें कि साल 1972 में मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार द्वारा भरने का नियम बना था। 52 साल बाद मोहन सरकार ने इसको बदल दिया है। आज कैबिनेट में सभी मंत्रियों की सहमति से यह फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, आज कई ऐसे फैसले लिए गए जिनका राज्य में दीर्घकालिक प्रभाव होगा। सभी मंत्री अपना आयकर खर्च वहन करेंगे, राज्य यह खर्च वहन नहीं करेगा। सीएम मोहन यादव ने कहा, 1972 के एक नियमानुसार मंत्रियों और संसदीय सचिवों तक के इनकम टैक्स का व्यय राज्य सरकार जमा करती थी। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि साल 2023 से 24 के लिए मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष सहित 35 जनप्रतिनिधियों का 79 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स प्रदेश की सरकार ने जमा किया था। पिछले 5 साल में मंत्रियों के आयकर पर करीब 3.5 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए हैं। वहीं कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। इसके तहत शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि का नया फॉर्मूला लागू होगा। प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि शहीद के माता पिता को दी जाएगी। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारे अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरंगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था, जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। दूसरा, हमने एक निर्णय लिया कि अब हमारे अपने शहीद जिनने सेना में, सीआरपी में अलग अलग प्रकार की भूमिका अदा की और उनको 1 करोड़ रुपये मानदेय शासन की तरफ से जो हमारे फंड से जाता है, हमने निर्णय किया कि उसको 50% उसकी अपनी श्रीमती को, जो एक तरह से स्वाभाविक रूप से पहली हकदार होती है, और 50% उसके माता पिता को ये राशि देंगे, ताकि कई जगह देखा गया कि बाद में बहुत कठिनाई आती है, परिवार में भी दिक्कत आती है, माता पिता या बाकी जो वृद्धजन उनको वो राशि मिलने में परेशानी आती है। तो ये हमने निर्णय किया कि इसको 50-50% करेंगे।